हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। एंड अभी आप दोस्तों जैसे देख सकते हैं, मैं हूं किया के वर्कशॉप में। एंड मैं क्या कर रहा हूं वर्कशॉप में आपको बताऊंगा पूरी इस वीडियो में। सो फिलहाल दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप से किया का वर्कशॉप। एंड अपनी गाड़ी बाहर निकल रही है, देखिए रेडी होके। सो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई अपनी कार में जो अपन को वर्कशॉप में आना पड़ा, मैं आप बताता हूँ आपको पूरी बात इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल देखिए अपनी कार खड़ी है वर्कशॉप में, एंड बोनट वगैरह खुला हुआ दोस्तों, उसका आपके सामने पूरा खुला हुआ। तो बताता हूँ उसमें दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत दोस्तों उसमें ये आ रही है, जो उसमें लाइट आती है राइट साइड की, इसमें दोस्तों इसका जो हेडलाइट लेवलर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो इसी कारण दोस्तों मैं गाड़ी को लाया हूँ वर्कशॉप में। एंड वर्कशॉप में दोस्तों ये जो अपनी लाइट है इसको मैं चेक करवा रहा हूँ वारंटी में। सो कुछ दिन बाद मेरी कार की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने इसके दोस्तों एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है। अभी जैसे देख सकते हैं आपके सामने हेडलाइट लेवलर है, लेफ्ट साइड का तो हेडलाइट लेवलर काम कर रहा है, बट राइट साइड वाला बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो एकदम स्टेबल है एक ही पॉइंट पे। एंड लेफ्ट वाला देखिए अब ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ इस टाइप से दोस्तों दिक्कत आ रही है कार में, लाइट वगैरह प्रॉपर वर्क कर रही है बट एक चिटरिंग की साउंड आ रही है। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। आवाज क्या क्या रही है चेक कर। तो दोस्तों आपने सुना होगा, आपको जो उसकी हेडलाइट में किस टाइप का चिटरिंग था साउंड आपको सुनने को मिल जाता है। काफ़ी दोस्तों साउंड काफ़ी तेज़ था एंड कुछ ज़्यादा ही दिक्कत थी, इसलिए दोस्तों मैं आया था कंपनी वारंटी में। बट दोस्तों वारंटी में लाइट तो चेंज हो रही थी, बट एक कंडीशन में लाइट चेंज कर रहे थे, वो कंडीशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए लाइट कुछ स्टेप से मिल जाती है आपको, नई लाइट राइट साइड वाली यूनिट है। एंड अराउंड अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो दोस्तों इसकी कॉस्टिंग आती है ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज़, एंड अगर GST MST लगा रहे हो 17,000-18,000 रुपये की दोस्तों आपको वन साइड की लाइट पड़ जाती है, ठीक है। काफ़ी महंगी है दोस्तों लाइट। सो बी केयरफुल दोस्तों, अगर वारंटी में है तो आप ज़रूर एक बार लाइट चेंज करवा लीजिएगा अगर उसमें कोई दिक्कत आती है। तो फिलहाल दोस्तों अपनी गाड़ी में काम चलेगा इसके बाद। इसको मत खोले पहले, मत खोले कब देखो, कब तो दे इसको खोल ले, तभी यहाँ बम्पर निकाल ले, सब खोली लाइट टूट जाएंगे वो फोटो वीडियो बनाना पहले कि सब बनी बनाइए खोल ले, खोल के फोटो ले बना ली सब तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हो गया है हेडलाइट ओपन करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों ये पूरा आगे का फ्रंट का ये सब कुछ खोलना पड़ता है, बम्पर वगैरह खोलना पड़ता है, साइड से ये साइड फेंडर वगैरह खोलना पड़ता है, नीचे दोस्तों लॉक वगैरह होते हैं तो उसको ओपन करना पड़ता है, देन आप उसके बाद लाइट को एक्सेस कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को दोस्तों मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो आप तब तक देखिए फास्ट फॉरवर्ड में। फोटो खींचिए। तो जैसा कि आपने देखा लाइट निकल चुकी है, एंड कुछ इस टाइप से लगता है दोस्तों फ्रंट से देखने पे खाली खाली, मतलब बहुत बेकार से लग रहा है। बट यहाँ पर आपको देखिए हॉर्न वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपके हेला के हॉर्न्स हैं, कुछ इस टाइप की प्लेसमेंट है। एंड काफ़ी दोस्तों खाली खाली देखने में लगता है ये सारा पार्ट देखने में, तो काफ़ी बेकार लग रहा है। एंड ये दोस्तों इसकी पुरानी वाली लाइट, सो इसमें दोस्तों बात करें ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं, बट कोई हेडलाइट की दिक्कत थी क्योंकि इसका हेडलाइट लेवलर काम नहीं कर रहा था। सो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको दोनों लाइट की मतलब फ़ोटो वगैरह लेनी पड़ती है ना, अगर क्लेम पे पास कराना है, मतलब वारंटी पे अगर लेना है तो आपको सही लाइट और जो बेकार है दोनों की फ़ोटो साथ में लेना पड़ती है, वो मैंने ले ली थी। एंड अब दोस्तों जो नई लाइट है उसकी प्लेसमेंट हो रही है कुछ इस टाइप से, तो वो भी पूरी वीडियो की जो प्रोसेस है दोस्तों मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना होगा एंड आपको थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा देखने में, है ना। हाँ
लाइट की जरूरत नहीं है। बम्पर फिटिंग करो, बम्पर फिटिंग नहीं, इसे नक्के टाइप जी लाइट हिल रही है इसको। मुसाफा मुसाफा, अरे तुम अलग बीच में भाई साहब, हाथ दाल के निकाल लो, उसको घुमा के निकाल लो, घुमा के निकल जाओ। कोई नहीं कर रहा, तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लाइट सेटअप हो चुका है, यानी काम कंप्लीट हो चुका है। हमने राइट साइड की बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइट को इंस्टॉल किया है, ठीक है। लाइट तो हम इंस्टॉल कर चुके थे दोस्तों, बट हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमने लाइट को चेक नहीं किया। लगाते समय हमने बिल्कुल भी चेक नहीं किया लाइट प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड अगर कर भी रही है तो सही से कर रही है या उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। बट अभी मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस, हमें हमारे संग क्या प्रॉब्लम हुई थी और फिर हमने दोस्तों उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, ये भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं लाइट इंस्टॉलेशन चल रहा है, यहाँ पर जो साइड के नक्के वगैरह होते हैं दोस्तों उनको फिट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि लाइट हिले डुले ना, ठीक है। ये चल रही है इसकी प्रॉपर फिटिंग, तब तक आप देखिए पूरी फिटिंग को। So, दोस्तों अभी आप जो दूसरी लाइट आपने देखी जो ऊपर रखी थी, वो दूसरी लाइट हमने चेक की थी। एक लाइट तो लगी हुई थी दोस्तों नई वाली, दूसरी हम लाके हमने चेक की, जिस तरीके से साउंड करी थी कट कट का, फिर हमें पता चला दोस्तों कि नई लाइट में इसी टाइप का साउंड आता है जब आप इसका डिपर अपर मारते हैं तब, तो दिक्कत ये है। सो दोस्तों अपनी लाइट हो चुकी है चेंज, अभी आप देख सकते हैं दोनों लाइट लगी है, कुछ इस टाइप से दोस्तों इसका व्यू मिलता है, मतलब बिल्कुल नई, अपनी दोनों लाइट ही नई थी पहले भी, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल नई लाइट लगी है। एंड अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको चेक कराते हैं कि इसका जो हेडलाइट लेवलर है वो दोनों के दोनों वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस टाइप से तो मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखिए इस वीडियो में, ठीक है। आप ढंग से देखिए इस वीडियो में, तो अब दोस्तों दोनों के दोनों हेडलाइट लेवलर यूनिट जो थे वो वर्क कर रहे हैं, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड दोनों के वर्क कर रहे हैं, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। एंड पहले जिसमें दिक्कत थी कि लेफ्ट साइड का तो ऊपर नीचे हो रहा था, बट राइट साइड का दोस्तों वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। देख लेंगे कट कट कर देता है एक बार ना, पता चल जाएगा। गाड़ी बंद करना पड़ी, गाड़ी बंद कर, फिर करना कट कर। सो अभी आपने जो साउंड सुना कट कट का दोस्तों, ये था इसका डिपर एंड अपर का साउंड, ठीक है। नई लाइट्स में कुछ इस टाइप का साउंड आता है, तो आप समझ गए दोस्तों कुछ इस टाइप की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। एंड दोस्तों हमारी जो लाइट थी वो आउट ऑफ वारंटी नहीं थी, वारंटी में चेंज कर दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लाइट चेंज की है। सो दोस्तों हमें लाइट चेंज कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ईजिली सब कुछ हो गया था, हमारा जो कि प्रोसेस थी वो पूरी ईजिली हो गई थी। सो जो किया वाले हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, एंड मतलब काफ़ी अच्छा नेचर है, हेल्पिंग नेचर में है दोस्तों, बात करें तो ईजिली हमारा सारा काम हो गया था। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से हमारी लाइट हुई चेंज, एंड दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।